हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल परी टेक एंड फाइनेंस में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आज हम आपको उसको आसानी से पाने के 5 स्टेप्स के बारे में बताएंगे। इसके लिए आप हमारा ये वीडियो एंड तक देखें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ में दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। पैसों की ज़रूरत हो और बैंक अकाउंट में पैसा न हो तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड काफ़ी काम आता है। क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन उपलब्ध कराता है। इससे आप ज़रूरत के वक्त भुगतान या खर्च कर सकते हैं और बाद में तय अवधि के अंदर अमाउंट चुका सकते हैं। इसके अलावा तय सीमा के अंदर अमाउंट चुकाने पर ब्याज भी नहीं देना होता। सबसे पहले क्रेडिट स्कोर करें चेक। क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले अपना क्रेडिट स्कोर जरूर पता कर लें। इससे आपको कार्ड के लिए एप्लीकेशन मंजूर होगी या रिजेक्ट, इसका पता लग जाएगा। खराब क्रेडिट स्कोर एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का एक मुख्य कारण है। स्कोर कम होने की वजह लिया गया लोन चुकाने का खराब रिकॉर्ड या कभी कभी क्रेडिट हिस्ट्री में गलती होना होता है। बेसिक या नो फ्रिल्स कार्ड से करें शुरुआत। पहली बार क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो एक बेसिक बिना कोई सालाना फीस वाले कार्ड से शुरुआत करें। इसे नो फ्रिल्स कार्ड कहते हैं। यह एक कम खर्च लिमिट वाला कार्ड होता है। शुरुआत में ही ज़्यादा लिमिट वाले प्रीमियम या सुपर प्रीमियम कार्ड को पाने का लक्ष्य न रखें। इसके लिए आपकी इनकम का लेवल हाई होना चाहिए और उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। अपने पहले कार्ड से एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनाएं। इससे बाद में आप प्रीमियम कार्ड पाने के योग्य हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन न करें। क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंक या इंस्टीट्यूशन आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं। जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो यह आपकी क्रेडिट रिपोर्ट के इंक्वायरी सेक्शन में शो होता है। ऐसे में अगर आपके द्वारा कई कार्ड के लिए एप्लीकेशन किए जाना सामने आया तो आपका क्रेडिट स्कोर घट सकता है। आप कार्ड के लिए अयोग्य ठहराए जा सकते हैं, इसलिए कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस करने से बचें। FD पर लेने का करें ट्राई। देश के कई बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर क्रेडिट कार्ड की पेशकश करते हैं। इसके लिए आपकी उस बैंक में FD 20,000 रुपये से ज़्यादा की और डिपॉजिट की क्रेडिट लिमिट 80 से 85% होनी चाहिए। यह ऑफर उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है या जो लो क्रेडिट स्कोर वाले हैं। FD पर क्रेडिट कार्ड लेने पर बैंक आपको डिपॉजिट को सिक्योरिटी के तौर पर लेते हैं। लोकल बैंक भी कर ले ट्राई। अगर आपको कहीं से भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है तो अपने उस बैंक से कॉन्टैक्ट करें जहां सालों से आपका या आपके परिवार के सदस्यों के अकाउंट है। लंबे समय से बैंक से जुड़े रहने के चलते हो सकता है कि बैंक आपको एक बेसिक लेवल कार्ड उपलब्ध करा दे। इससे आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री शुरू करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड हमसे कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।